अस्सलाम वालेकुम, होप कि आप लोग सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम हुसैन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हराज की तरफ जाता हूँ और वीडियो वहाँ बचा के बनाता रहता हूँ, लेकिन कुछ टाइम हुआ तो मैं वीडियो नहीं बना सक रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया, व्लॉग वगैरह मैंने बनाया नहीं। उसकी वजह यह है कि मैं पोलैंड के लिए ट्राई कर रहा था, उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह अरेंज कर रहा था, तो मैंने आखिरकार फ़ाइल सबमिट करवा दी है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक व्लॉग बनाकर दिखाऊंगा। तो आज मैं, आप लोग जो मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हैं, वो मेरे जानने वाले की गाड़ी है, वो गाड़ी बेचना चाह रहा है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि गाड़ी की कंडीशन क्या है। जो गाड़ी आप लोग पीछे देख रहे हैं, बताने का मकसद ये है कि मैं अभी हैराज होकर आया हूँ, तो आप लोगों को एक टिप्स दूंगा। तो अगर हैराज जाने से पहले आप लोग क्या करें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हैराज जाएंगे तो वहाँ जाकर यानी रैंडम लोगों के पास ना जाएं। गाड़ी अगर आप ऑक्शन में बेचना चाह रहे हैं तो वहाँ ऑक्शन के जगह है, गाड़ी ऑक्शन में बेचें। अगर आप ऑक्शन में नहीं बेचना चाह रहे, क्योंकि वो सारा दिन वहाँ टाइम बहुत लग जाता है और बहुत लोग आएंगे, आपको बहुत तंग करेंगे, भाई इतने मेरे दिमाग ख़राब हो जाए, क्योंकि मैं अभी होके आया हूँ वहाँ पर, तो गाड़ी का जो रेट है ना वो उसको गिरा कर बताएँगे। तो आपको चाहिए कि पहले आप लोग पता है क्या करो, आप लोग जाओ मार्केट में जाकर रेट पता करो, फिर उस हिसाब से गाड़ी अपने यानी फेसबुक में डालो या expatriate.com में डाल दो, यानी वेबसाइट इंटरनेट पे गाड़ी डाल दो, फिर वहाँ पर जो रेट आएगा वहाँ पर आप लोग देखो कि क्या रेट चल रहा है। उसके बाद अल्लाह भला करे, अपने हारे में लोगों से बात करो, वो कितने की बेचना ख़रीदना चाह रहे हैं, वहाँ से फिर आपको अच्छा रेट मिलेगा। मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में आप लोग सारा कमीशन खो रहे, जो लोग जितना सस्ती में लोग, क्योंकि लोग ख़रीदेंगे फिर बेचेंगे उसको। तो ये मैं आपको टिप देना चाह रहा था, जो गलती वगैरह हो आप लोग मुझे कमेंट में नीचे बता दें। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गाड़ी मेरे कज़न की है, बाकी आप लोग देख लें, चाहिए तो रब्ता करें, नहीं तो एक बंदे ने बोला हुआ है। तो ये गाड़ी की कंडीशन है, फर्स्ट ओनर है इसका, इसकी किस्तें पूरी हो चुकी हैं, गाड़ी अभी भी उसके नाम पर नहीं है, गाड़ी बैंक के नाम पर है। तो थोड़ा साइडों पर ये एक रगड़ लगी हुई है साइड पे, ये भी निशान देख सकते हैं आप। तो गाड़ी की ये कंडीशन है, ठीक है। तो अंदर से दिखाते हैं, अंदर से ये कंडीशन है, एसी इसका चिल है, ठंडा कर रहा है। अभी इस गाड़ी का अभी 2,00,000 मीटर अभी हुआ है रिसेंटली। तो ये कंडीशन है गाड़ी की, इसका अभी बोनट खोलते हैं। ये गाड़ी का इंजन की कंडीशन है, इस गाड़ी का फर्स्ट ओनर है, तो बस गाड़ी की थोड़ी पेंट, थोड़ा सा कलर शरल है, बाकी गाड़ी बस सही है, थोड़ा डेंटिंग इधर साइड पे है जैसा कि आप देख सकते हो। जिसको चाहिए रब्ता करे, और नहीं तो ये गाड़ी, वैसे भी एक बंदे ने बोली हुई है गाड़ी का, गाड़ी पर जिस बंदे की गाड़ी है वो बोल रहा है कि तकरीबन 25,000 चाहिए, लेकिन गाड़ी को 20,000 बंदों ने बोला, तो देखते हैं शायद 20 में जाए, 22 में जाए, जो आप जिनको चाहिए तो वो कमेंट में बोलें।